बड़ा उदाहरण ये है कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के है लेकिन इलेक्शन कहाँ से लड़े थे आपको पता है? बड़ा उदाहरण ये है कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के है लेकिन इलेक्शन कहाँ से लड़े थे आपको पता है? ये लोगों की मोहब्बत है और आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है और आपकी जो इच्छा है उससे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाके लड़ सकते हो। और ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं यहाँ रहने आया। सामने बैटिंग कर रहे हैं मुझे और वो ब्रेडली अच्छा सलाह दिए है और जो अच्छा विकेट होता है जितना फास्ट बॉलर होता है उतना अच्छा बैटिंग करने को मजा आता है। क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान में आया हूँ मैं, अभी आज पहला दिन है मेरा लेकिन यहाँ पे लोगों से मिला। देखिए क्रिकेट में 11 की टीम होती है, मेरे पास तो बहुत बड़ी आप देख ही सकते हैं, तो हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है क्रिकेट में भी, तो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स में मुझे सपोर्ट मिलेगा इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे लोगों का काम करूँ। बहरामपुर के लोगों के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए मैदान बिल्कुल अलग है लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो सेम रहेगी, जो मेरी टीम की एक्सपेक्टेशन रहती थी जल्दी जल्दी रन बनाऊं मैच जिताऊं, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी लोगों की कि मैं उनके जो उनके लिए जो आया हूँ मैं यहाँ पर काम करने के लिए और जो मेरी टीम ने काम किए है उसको और आगे लेके जाना है। 2007 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था और ये जो पहला लोकसभा का चुनाव, कौन अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा? देखिए दोनों टीम मेरे दिल के करीब है और काफी एक्साइट हूँ मैं, और एक्साइटमेंट मेरे में है कि जब मैं पहला वर्ल्ड कप खेला था भारत के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान और हम लोग मैच जीते भी थे और यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी मैं आया हूँ तो एक अच्छे ओपनिंग के साथ मेरा मैच होगा तो उसके लिए मैं काफी एक्साइट हूँ और इंशाल्लाह जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा यहाँ पे जो अभी चौधरी भाजपा का सांसद है वो कह रहे हैं उनके खिलाफ दो बीजेपी का कैंडिडेट है, एक तो बीजेपी का है और दूसरा आपको बीजेपी का है क्योंकि आप गुजरात से आते हैं तो इसके बोलते हो। देखुन अपना प्रश्न करते गुजरात से मैं आया हूँ, मेरा घर जन्मभूमि है गुजरात में और ये मेरा कर्मभूमि है, यहाँ पे मैंने बहुत काम किया है बहुत और आगे भी मुझे और काम करने हैं। इतना जो प्यार मिला आने के बाद इतना भीड़ ये ग्राउंड में मिलता था वो गैलरी में लोग देखते थे तो क्या लगा ये खेला होगा? आपने शायद कहा भी बिल्कुल खेला होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए मैं जब ग्राउंड में खेलता था तो 75-90 यार्ड के बाद जो लोग होते थे उनकी फीलिंग पता चलती थी, एनर्जी पता चलती थी और उनकी जो मोहब्बत है
वो थोड़ी दूर से 98 से पता चलती थी, लेकिन आज ये जो मौका मुझे दिया है ममता दीदी ने और अभी अभिषेक ने और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरी टीम के लोग, उन्होंने मुझे यहाँ करीब लोगों के बिल्कुल करीब लाया है, तो उनका ये प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, और वो एनर्जी मुझे अच्छा फील करा रही है। और अब दौर बदलने वाला है, बहुत से दौर बदल गए, बहुत से चेंजेस आए, और जो चेंजेस आते अच्छे के लिए आते, और लोग इस चीज को मानते भी और पसंद भी करते कि अच्छे के लिए चेंजेस होने जरूरी होते हैं। ऑपोजिशन पार्टी बार बार बोल रहा है कि आउटसाइडर को कैंडिडेट बनाया गया है, आउटसाइडर होकर चुनाव में लड़ना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आउटसाइडर हूँ, आपको लगता है कि आउटसाइडर लगता है क्या? मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के है, लेकिन इलेक्शन कहाँ से लड़ते आपको पता है? ये लोगों की मोहब्बत है और आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है और आपकी जो इच्छा है उससे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाके लड़ सकते हो। और ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं यहाँ रहने आया हूँ। बहरमपुर के लोगों के क्या क्या करेंगे? देखिए बहरमपुर के लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, जैसे कि यहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो सिल्क फैक्ट्री है, जो सिल्क का काम होता है यहाँ पे, वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन उसको दुनिया भर में उस चीज को लेके जाना है, उसकी पहचान दुनिया भर में बनानी है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक बड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि जीतने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है मेरा, सॉलिड है, और एक फिनिशर की जरूरत थी तो फिनिशर भी आ गया। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सको, लेकिन आप दिल से दिल की जो लैंग्वेज है वहाँ पे कभी भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता, जो दिल से दिल का लैंग्वेज होता है। दूसरी ये बात है कि लैंग्वेज की बात है तो वो सीखी जाती है और सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जब दिल से दिल की बात होती है तो वहाँ लैंग्वेज कभी काम नहीं आती। देखिए यार ये तो आप जो आवाम है, जो जनता है, वो आपको अच्छे से आंसर दिखाएगी, और जो रिजल्ट आएगा तभी आप उसको जवाब मिल जाएगा उसका आपको, ठीक है? और कुछ? आपका स्लोगन क्या होगा? मुद्दा होता है ना स्लोगन, तो बंगाली में आता है कुछ? नहीं मैंने कितनी बार, अभी तो वो बोले कि आपने स्लोगन दिया तो अभी कितनी बार रिपीट करवाओ, केला हो बे, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला।